हाय फ्रेंड्स, जब हम 11th और 12th में होते हैं तो मैथमेटिक्स में एक टॉपिक आता है फंक्शन। तो फंक्शन जब आता है तो उसमें बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। फंक्शंस क्या है, रिलेशंस क्या है, डोमेन्स क्या होते हैं, को डोमेन्स क्या होते हैं, इनकी रेंज क्या होती है, तो उस पूरे चीज़ों में स्टूडेंट उलझ जाता है। तो आज एक गेम की तरह छोटी छोटी मेथोडोलॉजी से मेरी टीम में है मिस्टर श्रवण। तो मिस्टर श्रवण आपके सामने छोटी मेथोडोलॉजी से ही इज गोना गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। सो लेट मी प्रेजेंट बिफोर यू मिस्टर श्रवण। हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने एक एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहा हूँ विच इज रिलेटेड टू द फंक्शन। द मेन ऑब्जेक्टिव इज द फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? नाउ एक्सप्लेन, लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। मीन्स हमने दो नॉन एम्प्टी सेट लिए, दोनों सेट्स के एक का नाम एक्स, दूसरे का नाम वाई। एक्स के अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स लिए, देर आर सम एलिमेंट्स इन द सेट एक्स, देर आर सम एलिमेंट्स इन द सेट वाई। नाउ मटीरियल रिक्वायर्ड इज कार्डबोर्ड, पेपर, पेंस, नीडल्स, स्ट्रिप ऑफ पेपर्स। हमने क्या किया, इसको हमने सारे पेपर्स लिया, उसको कार्डबोर्ड पे फिक्स कर दिया विद द हेल्प ऑफ पेन। फिर मैं दो स्ट्रिप ऑफ पेपर लिए, एक हमने लेफ्ट हैंड साइड उसका नाम रख दिया हमने सेट एक्स। सेट एक्स के अंदर हमने एलिमेंट्स लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेकेंड हमने सेट लिए वाई, उसके अंदर हमने एलिमेंट्स रखे ए बी सी डी एंड ई। फाइव एलिमेंट्स हमने सेट एक्स के अंदर लिए, फाइव एलिमेंट्स हमने सेट वाई के अंदर लिए। इसमें आपके पास है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन वाई, ये आपकी इट इज बिकम्स अ फंक्शन। नाउ सेकंड कंडीशन इज हमने फिर एक सेट एक्स लिया, उसके अंदर हमने तीन एलिमेंट्स लिए, सेट वाई के अंदर हमने केवल एक एलिमेंट्स लिया, और यहां से हमने सेट एक्स के अंदर सारी इमेज वो केवल एक एलिमेंट से। इससे हमें ये पता लगता है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव ए यूनिक इमेज इन वाई। नाउ थर्ड कंडीशन इज देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ एक्स, हमने सेट एक्स के अंदर फिर दोबारा एलिमेंट्स लिए, वाई के अंदर भी एलिमेंट्स लिए, किंतु देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ वाई विच हैज नो इमेज इन द सेट एक्स। एक्स के अंदर ये तो दो एलिमेंट्स बचे, इसकी कोई इमेज नहीं, फिर भी ये फंक्शन है। इट अगेन बिकम्स ए फंक्शन। फंक्शन कब नहीं है? जब आपके पास एक्स के अंदर पहली कंडीशन, एक्स के अंदर कोई आपका एक एलिमेंट्स बच जाए या दो एलिमेंट्स, कोई डिफरेंट एलिमेंट बच जाए, तो आपका फंक्शन ही बनेगा। सेकेंड कंडीशन, अगर एक्स के किसी एक एलिमेंट से वाई के अंदर एक या दो एलिमेंट्स की कोई दो इमेज बन जाए, जैसे हमारे पास ये सेट एक्स के अंदर एलिमेंट्स टू, इसकी इमेज आपकी सी है, सेट एक्स के अंदर एलिमेंट्स थ्री, इसकी इमेज सी और डी दोनों ही है, इस तरह किसी और की इमेज भी हो सकती है आपके पास। जैसे हमने ये लिया सेट वन की, सेट एक्स के अंदर एलिमेंट्स वन, उसकी इमेज ए भी है और बी भी है, तो आपका ये फंक्शन नहीं बना, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैव ए यूनिक इमेज, पहली कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन आपके पास हर एलिमेंट्स की, यहां पे आपके पास जो फंक्शन नहीं बना क्योंकि यहां पे जो एलिमेंट्स आपके पास बैलेंस बच गए 2, 4 एंड 5 इन द सेट एक्स विच हैव नो इमेज इन द सेट वाई, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। फॉर द डोमेन, द सेट एक्स इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड द सेट वाई इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। इन द गिवन सेट एक्स हैविंग थ्री एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3, सो डोमेन बिकम 1, 2, 3 एंड द कोडोमेन बिकम्स स्मॉल ए, सेम रेंज बिकम स्मॉल ए, क्योंकि यहां पे आपके पास वाई के पास केवल ए के एलिमेंट्स है, इसलिए आपके पास कोडोमेन एंड रेंज मस्ट बी सेम।